सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। हेलो एंड नमस्कार, आई एम उमेश उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग अस लाइव एट पीएमई विद्या चैनल नंबर 6-12 एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, एज यू नो दैट दिस इज द स्पेशल सहयोग सेशन which is brought to you by Manodarpan, an initiative of Ministry of Education, Government of India, to provide psychological support to teachers, parents, and more importantly, students. And today in this session, we will discuss on study skills for examination preparation. But before we begin the session, I would like to inform you that if you have any doubts regarding the topic, you can call us on our phone number, which is 844-844-0632. And you can also call us on our number 8800440559. You can also drop your questions on our email ID, which is sahyog.ncert@cit.nic.in. So to introduce you to today's experts, I would like to welcome in program Madam Dr. Shabnam Kumari, who is Assistant Professor at RIE NCERT Mysuru. Welcome in the program, ma'am. Thank you, sir. And I would like to welcome our second expert in the program, Ms. Pallavi Upadhyay, who is practicing counselor. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So, my first question to begin the session is to Dr. Shabnam. Ma'am, why we need study skills? Yes, sir. Sir, study skill, main pyare bachcho ko pehle namaskar karna chahungi. कि बच्चों, स्टडी स्किल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अम्ब्रेला की तरह काम करती हैं हमारी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के लिए, बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बिल्ड करने के लिए, और जो एग्ज़ामिनेशन फियर्स है उनका उससे फाइट करने के लिए। तो जो बच्चों स्टडी स्किल्स हैं वो बच्चों का क्या करता है, वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। एक अच्छी स्टडी स्किल बच्चों के सेल्फ एस्टीम को भी डेवलप करने में कोशिश करती है। अब मान लीजिए आपके 50% मार्क्स आ रही हैं और आपने बहुत अच्छी स्टडी स्किल्स डेवलप कर ली है, तो आप क्या चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे मैं 70% तक अचीव कर सकूं? तो वो आप कैसे कर पाओगे बच्चों? वो आप स्टडी स्किल के बेसिस पे ही कर पाओगे। जो गुड स्टडी स्किल्स हैं वो आपकी स्ट्रेस को, एंजाइटी को अपने आप ही दूर कर देंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो स्टडी स्किल्स बिल्ड की हैं उनके बेसिस पे मैं बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लूँगा। और ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं। जैसे आप 70% लेके आ रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप 12th में, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में, आप चाहोगे कि मेरे 95% आ जाएं। तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों, जब आपकी जो स्टडी स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, आपने उनको बिल्ड किया है बहुत अच्छे से। और स्टडी स्किल्स आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसी डेवलप होगी कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए आपको कॉज एंड इफेक्ट पे जब आप जाओगे कि ये क्वेश्चन, ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो इस तरह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो भी बहुत अच्छे से स्टडी स्किल के द्वारा ही डेवलप हो सकती है। आपका सेल्फ रेगुलेशन है वो कल्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप से ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर मैं ये कितने समय में कर लूँगा, अभी तक मैंने ये कवर नहीं किया है तो और कितना टाइम मुझे कवर करने में लगेगा। आप उसको मेमोराइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है उसमें कल्टीवेशन होना शुरू हो जाएगा। और देखो बच्चों, शुरू से ही आप जब भी स्कूल शुरू होते हैं तो टीचर्स आपको बोलते हैं कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के थ्रू आप स्टडी करिए। तो वो टाइम टेबल आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने में कैसे वो काम आएगा? स्टडी स्किल के द्वारा ही आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और ये सिर्फ स्कूलिंग तक ही नहीं रुक सकता है, स्टडी स्किल्स जो है, स्टडी स्किल्स एक अच्छी
स्टडी हैबिट तक आपको लेके जाएगा, जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी आपको काम आएगा, आपकी फ्यूचर सक्सेस में भी काम आएगा। जी सर। इंडीड मैम, यू वेरी ब्यूटीफुली हाईलाइटेड वेरियस पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग हाउ यू कैन एनहांस योर स्टडी स्किल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस पल्लवी दैट मैम, हाउ एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजंस दैट स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन? I think not just students, I think everyone is scared of examinations. Indeed. But the thing is, no, the students, one of the root cause, which I believe, is the lack of preparation. अगर बच्चा क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं करता है या फिर क्लासेस बंक करता है तो क्या हो जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं याद रहेंगे, तो इस वजह से उसका प्रिपरेशन रेडी नहीं होता। एग्जाम के टाइम पे है ना, वो ही और शी स्टार्ट्स लूजिंग फोकस, दे डू नॉट नो व्हाट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, सो दैट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। एंड उस लैक ऑफ प्रिपरेशन से बाकी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बाकी सारे फियर्स आते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो गया, बच्चा कॉन्फिडेंट ही नहीं है क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मुझे पता नहीं है कैसा एग्जाम आएगा, मैं शायद क्लास में था नहीं जब मैम पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाता है इससे, वो बच्चा अपना सेल्फ एस्टीम लूज कर देता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वो डर जाता है एग्जाम को, एग्जाम के बारे में सोच के। और क्या हो जाता है, एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सोसाइटी या सोसाइटी बच्चों पे डालते हैं, और वो होता है प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस जो हम लोग बोलते हैं। तो बच्चे के अंदर बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है, सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहेंगे कि बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए, तो वो एक एक्सपेक्टेशन लेके बच्चा चलता है। फिर आगे जाके बच्चों के फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशन हो जाता है उसमें कि बच्चों के फ्रेंड्स जो हैं उसमें उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो एक रीज़न भी हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा ना थोड़ा डर जाता है कि हाँ इस एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो क्या करेंगे। सोसाइटी एज सच, हम लोगों को मालूम है सोसाइटी कितना ज़्यादा प्रेशर डालता है, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि क्या होगा अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, मतलब है ना मेरा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, डर जाएगा बच्चा उसको लेके। और एक और चीज़ हो जाती है जो बोलते हैं हम लोग सेल्फ, वो बच्चे के अंदर भी एक डर रहता है, बच्चे के अंदर भी एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि क्या होगा अगर मेरा मार्क्स खराब आएगा, व्हाट विल हैपन, हाउ विल माय फ्रेंड्स लुक एट मी, हाउ विल माय पेरेंट्स लुक एट मी, सोसाइटी में मुझे कैसे देखा जाएगा, फेलियर बोला जाएगा, तो वो एक फियर भी रह जाता है। उसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज इन सर्टन सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि बच्चा मैथ्स में और साइंस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और इंग्लिश और हिंदी में मे बी है ना लैंग्वेजेस में नहीं कॉन्सेंट्रेट करता, उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो क्या हो जाता है ना कि वो कॉन्फिडेंस और वो कुछ एक एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि वो ध्यान नहीं देता है, और जब एग्ज़ाम के सामने आता है तो उसको उस चीज़ का डर लग जाता है कि ओहो मैंने इसका ध्यान नहीं दिया या फिर मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की थी। और कॉम्पिटिशन्स तो आपको मालूम ही है क्या, और कॉम्पिटिशन्स रहते ही हैं, कितना मार्क्स आया है, दूसरे को कितना मार्क्स आया है, हमारा पूरा लाइफ ही उस पर डिपेंड रहता है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि है ना बच्चे को डरा देते हैं फियर, मतलब एग्जाम को लेके। इंडीड मैम, एंड दे आर नॉट लिमिटेड टू वन और एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजंस, बट आल्सो कंबाइनली इन कॉम्बिनेशन दे कैन अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट अलॉट। एब्सोल्युटली। इंडीड मैम, सो I'd like to invite Shabnam ji again in the conversation. I want to learn from her that what are the different techniques and skills that can help students especially to build study skills. जी सर, सर जैसे मैंने बताया कि हम टाइम टेबल पे बहुत फोकस करते हैं, तो बच्चों को भी हम प्रेशराइज करते हैं एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स कि टाइम टेबल बनाओ बेटा और टाइम टेबल के बेसिस पे ही स्टडी करो। तो स्टडी स्किल डेवलप करते टाइम हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करना। देखिए जब भी हम पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट या हमने स्टडी की है तो सबसे पहले हमें हमारे स्पेस को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा कोई रूम जहाँ पे नॉइस ना हो, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, लाइटनिंग आप देखिए अगर हम ट्यूब लाइट्स में और इलेक्ट्रिक लाइट्स में ही पढ़ें तो हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऐसा स्पेस हो जहाँ पे नेचुरल लाइट भी आ रही हो। और हम जब बच्चे नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोटे बच्चों को ये समझना कि रोट लर्निंग से वो उनका मेमोरी उतना बिल्डअप नहीं हो पाएगा, वो याद नहीं कर पाएंगे उतना, तो उनको कैसे पढ़ना है। तो जो टेक्निक मैं मेरे स्कूलिंग टाइम में अपनाती थी, मैं फ्लो चार्ट्स बनाती थी, मैं कलरफुल डायग्राम बनाती थी साइंस को पढ़ने के लिए, तो ऐसा ही बच्चों को भी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी ताकि वो अपने सब्जेक्ट को भी
अच्छे से समझ पाएं और उनको इजी लगेगा करने में फ्लो चार्ट्स के द्वारा, और जब भी उनको वो रिवाइज करना होगा तो वो आराम से उसको देख के याद कर सकते हैं। और देखिए जब बोर्ड एग्जाम आता है तो हमें एक फियर होता है कि हम पेपर पता नहीं कैसे आएगा, कहीं सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस ना आ जाएं, पता नहीं मैं पूरा अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप कोई भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स ले लो और आप उनको क्या करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप राइटिंग में भी कर सकते हो कि आप देख चेक कर सको कि विद इन 3 आवर्स या 2 आवर्स मैं ये कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और एक जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है जो मैं भी अपने स्कूलिंग टाइम में यूज़ करती थी कि जो भी मैंने लर्न किया होता था मैं उसको अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में किसी को भी सुनाती थी। तो आप अपने आंसर्स को दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेनिंग से क्या होता है कि रिटेंशन बहुत जल्दी हो जाता है और आप अच्छे से याद कर पाते हो। और देखिए एज ए स्टूडेंट हम कंटिन्यूस तो कभी भी नहीं पढ़ सकते, हम कहें कि हम सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे 13 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो जाती है, वो एक रोट लर्निंग होती है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं और ये ब्रेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आप अपनी किसी भी हॉबी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी जो आपको आती है आप इन ब्रेक्स में उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे सोना है, मुझे एक अच्छी स्लीप लेनी है, एक नैप लेना है तो आप वो भी लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट मैप बनाइए, कॉन्सेप्ट मैप पे कोई भी कॉन्सेप्ट है देखिए वो अगर इंटर रिलेटेड है उसमें डिफरेंसेस हैं सिमिलैरिटीज हैं तो आपको क्या करना है बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है ताकि आप उसको इंटरकनेक्टेड कर सको, ताकि आप बाद में जब उसको पढ़ो तो आपको इजीली याद हो जाए। आपको वो पूरा पेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट मैप चेक करना है जो आपने बनाया है और आप इजीली लर्न कर लोगे। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए जो स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरी है मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ मोटिवेशन। पेरेंट्स से तो मोटिवेशन मिलता है, टीचर से मोटिवेशन मिलता है, पर जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर स्टडी स्किल्स को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कोई एक प्रेशर आ जाता है, फियर आ जाता है तो हम हमारा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ईजिली खो देते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा। पर अगर आप अपने आप को सेल्फ एनर्जाइज करते हो, सेल्फ मोटिवेट करते हो तो आप अपनी स्टडी स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो फॉर योर एग्जाम प्रेपरेशंस। यूज़ योर माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या है बच्चों, जब आपकी जनरली ऐसे होता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपने याद किया तो स्लीपिंग जब आप जा रहे हो सोने के टाइम पे तो लास्ट टाइम आप एक बार आंखें अपनी बंद कीजिए, आपने जो भी पढ़ा है आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आपने रिकॉल कर लिया, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार आप चेक कीजिए, इट्स ओके। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छी स्लीप लीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग दोबारा अपने शेड्यूल के साथ उठिए और उसको रिवाइज कीजिए। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार पढ़ने पे किसी को भी याद नहीं होता बच्चों। स्टूडेंट लाइफ में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे पता नहीं कितनी बार पढ़ना है, तो आपको बार बार रिवाइज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं रिटन नोट्स हैं। और एक पढ़ने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको ज़ोर से बोलना बोल के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको साइलेंट रीडिंग अच्छी लगती है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसी तरह ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनके द्वारा हम अपनी स्टडी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जी इंडीड मैम, यू हाईलाइटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई एम श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस लाइव दे माइट बी नोटिंग इट डाउन बिकॉज दिस विल हेल्प इन ग्रेट वेज। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम टू मैडम पल्लवी इज दैट मैम हाउ दीज पॉइंटर्स ऑफ स्टडी स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स, वॉट आर द फॉलोइंग और स्पेसिफिक बेनिफिट्स? Yeah. So just as mentioned, if you follow the strategies properly, so you will have a better understanding, better memory in relation to that, right? Your retention power would be much more. You'll be able to remember the concepts at the time of need. So not just that, it also increases students to learn effectively. बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको पता है कि किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या चीज़ करना है, किस पे है ना हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, किस पे हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ना है, ये एस्पेक्ट हम लोग का आ सकता है। फिर ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी बहुत हेल्पफुल है। मैं अगेन बताती हूँ स्टडी स्किल
अगर आप फॉर्म करते हो और उसको उसके ऊपर वर्क करते हो, तो वो आगे जाके आपका स्टडी हैबिट बन जाता है. और वो स्टडी हैबिट केवल आपके स्कूलिंग में नहीं, आपके कॉलेज में और आगे जाके आप मे बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आगे जाके और कुछ करना चाहते हो, उन सब में भी ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. आपका स्टडी हैबिट, एज आई सेड, स्टडी हैबिट बहुत स्ट्रांग हो जाता है. आपको पता होता है कि आपको किस तरीके का है ना शेड्यूल बनाना है अगर आपको प्रोग्रेस करना है या फिर आपको है ना सक्सेस अचीव करना है. देन ऑब्वियसली आपका स्टडी स्किल्स अगर डेवलप होगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्या बोलते हैं ना स्ट्रेस से बाहर आओगे. तो ये सारी चीज़ें स्टडी स्किल्स डेवलप करने से और है ना आप उस पर काम करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी. और ये सारी चीज़ों पर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एवरी टाइम यू वॉन्ट टू गो forward, you want to kya bolte na move ahead in your life, these study skills will work wonders with you. Thank you. Indeed, ma'am. So as you are saying that once they will develop these study habits, this will not only help in preparation of exams at school level, but this will also help them in future, per se in their college studies or further in their career. My next question is to Dr. Shabnam is that, ma'am, we know that students study very hard for their exams and throughout the academic time, but there is this very important point in their life just before a day of exam or just few hours before the exam. Any tips from your side to all the students who are watching us live that what they can do, how they can utilize all these techniques that you have told them? Yes, ma'am. जी सर, यस, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि लास्ट एक दिन पहले एग्ज़ाम से सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं. तो जैसे पल्लवी मैम ने बताया कि स्टडी स्किल्स डेवलप करती हैं हमारी स्टडी हैबिट्स को, तो वही स्टडी हैबिट्स बच्चों के लिए फिर बाद में काम आएंगी. और जो टेक्निक्स मैंने बच्चों को बताई हैं तो वो जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम बच्चे उसको कैसे यूज़ करें, तो आप बच्चे अपनी मेमोरी और रिटेंशन को, जो आपने याद किया है आप उसको मेमोराइज करिए. आप जैसे मैंने कहा बार बार आप पढ़िए. आपने मान लीजिए मंडे को पढ़ा तो आप संडे को उसको एक बार दोबारा रिवाइज की, मतलब वीक में एक बार आपको वो रिवाइज करना ही करना है. आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. मान लीजिए मुझे कोई एक कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊँगी, मैं उनको कहूँगी कि अच्छा ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए. तो ग्रुप स्टडी भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. और ब्रेक्स जो मैंने आपको पहले भी बताए बच्चों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर ब्रेक्स लेना, क्योंकि लगातार स्टडी, कंटिन्यूस स्टडी कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है. और जो स्टडी लगातार होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही उसको डिसाइड कर सकता है. ठीक है, आपने जो कंसेप्ट मैपिंग की, आपने जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, कलरफुल डायग्राम्स बनाए हैं, आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको एक तो बहुत अच्छी नींद लेनी है. आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है. आपने जो पढ़ लिया बच्चों वो एनफ होता है. हमें ऐसे फियर आता है कि जो मैंने पढ़ा है जब मैं पेपर में लिखूंगी तो मुझे याद नहीं आएगा, पर ऐसे नहीं होता है. जो आपने पढ़ा होता है जैसे ही आप पेपर में लिखना शुरू करते हो तो आपको इजीली याद आ जाता है. पर एक यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट टिप देना आपको चाहूँगी बच्चों के, जो आपको क्वेश्चन इजीली आता हो तो उसको आप पहले करना शुरू कर दीजिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको लास्ट पे छोड़ दीजिए कि मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं, वो आप बाद में सोचिए. पहले सोचने लगेंगे आप तो आपका पेपर का टाइम भी निकल जाएगा. आप मैथमेटिक्स में भी बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो जो आपको ईजी लगता है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप पहले उन पर फोकस करने की कोशिश कीजिए. और अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर ए गुड स्लीप इन द नाइट, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है. और मैं कहूँगी कि आप गैजेट से दूर रहिए. कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं आपके एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से कुछ मिनट्स पहले, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने जो वीक पॉइंट हैं आप थोड़ा सा उन पर फोकस कर लीजिए लास्ट टाइम में, क्योंकि आप
दोबारा से होल स्टडी तो नहीं कर सकते, कोई नया टॉपिक भी नहीं शुरू कर सकते, पर कहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट भी लग रहा है पॉइंट, ये एग्जाम में आ भी सकता है, तो बस आप उसी वीक पॉइंट को पकड़िए और उस पर फोकस करिए, आपको कोई नया टॉपिक शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बच्चे एग्जाम से बहुत फियर हो जाते हैं, और ये सबके लिए है, ह्यूमन बींग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे एग्जाम का फियर उनमें आता ही आता है, स्ट्रेस आता है, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बहुत अच्छे स्टडी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लोगे, तो जैसा कि पल्लवी मैम ने बताया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल है ही है, आपकी फ्यूचर सक्सेस में भी काम आएगा। और स्टडी स्किल्स आपको पता चल जाएगा बच्चों, जैसे टीम वर्क कैसे करना है, आप कोलेबोरेशन, जो 21st लाइफ की सेंचुरी स्किल्स हैं, जैसे NCERT 2023 में भी फोकस किया गया है, तो वो स्किल्स भी आप डेवलप कर सकते हो अपनी स्टडी स्किल्स के द्वारा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हमें जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है, उसको एक फेस्टिवल की तरह लेना चाहिए। जैसे हम बाकी के त्यौहार मनाते हैं ना, तो अगर हमारे अंदर स्टडी स्किल्स हमने डेवलप कर ली हैं, तो हमें किसी तरह का फियर नहीं रहेगा, फिर हमें पता है हमारी टेक्निक्स, हमें कैसे अपना सिलेबस कवर अप करना है। तो आप इसको फेस्टिवल की तरह मनाइए, स्ट्रेस की तरह नहीं, फियर की तरह नहीं। जी व्योमकेश जी, इंडीड मैम, यू हाईलाइटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट रिविजन इज की, टेक ब्रेक्स, डोंट स्ट्रेस आउट मच, बिकॉज स्ट्रेस कैन not only lower your confidence, but it can also impact your studies and everything. In very brief, I also want to take concluding remarks from Pallavi ma'am. Ma'am, do you want to add anything else what Dr. Shabnam has told us? I'll just add on one thing. See, students, you don't have to worry about the marks. मार्क्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको हैबिट डेवलप करनी है। एक बार आपका खराब गया, उसको लेके बाद में ना सैड होने का कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। आप उससे लर्न करो, उसका तोड़ निकालो, एंड देन मूव फॉरवर्ड, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड ना व्हाट योर वीकनेसेस आर, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट, सो यू कैन डू दैट। अभी आपको देखो, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है अपना हर एग्जाम के पहले, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें यही बोला जाता है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, यू हैव टू बी चिल्ड आउट विद योर मार्क्स। मार्क्स आएंगे जाएंगे, आप बेटर कर सकते हो, वो आपका लाइफ नहीं डिसाइड करेगा, सो यू हैव टू टेक दैट एज इट कम्स। जस्ट एंश्योर दैट आप जब स्टडी करते हो ना, तो वो ढंग से करो, उसका एक क्या बोलते हैं ना, मोमेंटम मेंटेन करके उसको फॉलो करके आगे बढ़ो। राइट सर, थैंक यू। इंडीड मैम, एंड एज यू हाईलाइटेड दैट, एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज इन परीक्षा पे चर्चा, दैट रिविजन इज योर फ्रेंड एंड स्ट्रेस इज योर एनिमी, do good in your exams. I would like to extend my thanks to both of our experts, Dr. Shavnam and Madam Pallavi, for joining us in today's program. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So, dear viewers, this is all for today. Thank you so much for joining us today in our program. I would like to tell you that tomorrow you can join us live at 8 a.m. in morning to watch our exclusive program, Yog Shakti. And with that, I would allow me to wind up the program. Thank you so much. सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने, 8448440632।